तो इनसे पूछते हैं, मिलते हैं। क्या नाम पहले आपका? दुबे। क्या नाम है? कुलदीप दुबे। तो आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे मंदिर घूम के? बहुत अच्छा लगा है, वृंदावन के जैसे प्रेम मंदिर के जैसा लग रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले। ये गोरखपुर के रहने वाले, तो देख रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं छपिया मंदिर, स्वामी नारायण छपिया मंदिर के अंदर, और आपको सीन हमने दिखा दिया है। और ये हमारे सब दोस्त हैं जो काफ़ी दूर से भी आए हुए हैं, नीरज सिंह पीएचडी स्कॉलर, और ये है संजय मौर्या पीएचडी फोर, और ये हमारे भाई है बीएड कर चुके हैं और टीचिंग भी करते हैं। इनका सेलेक्टिव क्या है आपका चैनल का नाम? सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा। तो इनका सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा यूट्यूब चैनल है। आप अगर साइंस साइड के हैं तो आप उस पर जाके स्टडी भी कर सकते हैं फ्री में बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ छपिया मंदिर घूमने आए हैं, काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। तो आइए, हम आप जो हमारे बगल में खड़े हैं पीएचडी स्कॉलर नीरज सिंह, इनसे कुछ पूछते हैं कि यहाँ पे घूम के कैसे लगा, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छी जगह है, सबको घूमने आना चाहिए। यहाँ पर मंदिर अच्छा, बहुत अच्छा है सब। जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं मंदिर, अभी हम लोग मंदिर के अंदर भी घूमने जाएंगे। और ये हमारे दोस्त हैं जो हम इंटर में हम लोग साथ ही पढ़े हैं, काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड भी हम लोग रहे हैं। तो संजय मौर्या जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पे दूर दूर से यात्री लोग दर्शन करने आते हैं, आप लोग भी आइए। तो ये हमारे पीएससी फोर्स में है जो हमारे देश को सेवा में लगे हैं, और ये हमारे भी हैं जो दूसरे एक तरह से कह लो फोर्स लाइन जो टीचर्स होते हैं उसके एक कदम आगे बढ़ चुके हैं टीचर्स लाइन में, जो बीएड कर रहे हैं और टीचर पढ़ा भी रहे हैं। तो इनसे मिलते हैं आप, क्या नाम आपका नाम बोलूँ? रामपूजन मौर्या। तो ये रामपूजन मौर्या जी हैं, बीएड कर भी रहे हैं और टीचिंग भी करते हैं। इनका यूट्यूब पे सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा चैनल भी है। तो इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको घूम के? मंदिर बहुत अच्छा है और उम्मीद है आप सब लोग आएंगे यहाँ पर घूमने। और यहाँ पर है ना पूरे भारत से और उससे दूर दूर के भी देश के लोग है ना यहाँ पे आते घूमने, और ये बहुत फेमस जगह है। गुजरात के तो लोग यहाँ पे डेली आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे हवन चल रहा है तो उसकी भी साउंड आ रहा है। तो चलिए अब और हम अंदर घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और मंदिर में ही बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ यहाँ के पर्यटक और श्रद्धालु घूम रहे हैं, ये भाई हैं। तो इनसे पूछते हैं, मिलते हैं। क्या नाम पहले आपका? दुबे। क्या नाम है? कुलदीप दुबे। तो आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे मंदिर घूम के? बहुत अच्छा लगा है, वृंदावन के जैसे प्रेम मंदिर के जैसा लग रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के। ये गोरखपुर के रहने वाले, तो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही दूर दूर के लोग आते हैं, काफ़ी इसमें श्रद्धा है और काफ़ी यहाँ घूमने में अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा नज़ारा भी, मनोरम नज़ारे भी हैं। तो आप गोरखपुर से आए? हाँ। तो आपको कैसा लगा देखिए? बहुत अच्छा। ठीक, तो चलिए हम और भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये मंदिर के सामने एक सरोवर है जो कि बहुत ही अच्छा सरोवर है, जिसमें 7 कुएं और बीच में मंदिर भी है, इसमें मछलियां भी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी नज़ारा होता है यहाँ का। जब भी आप छपिया गोंडा उत्तर प्रदेश में इधर आएँ तो ज़रूर घूमने जाएं।
तो दोस्तों हम मंदिर घूम चुके हैं हम लोग और फाइनली अब घर के लिए निकल रहे हैं। तो आप भी आइए, मनकापुर से भवनान रोड पे पड़ता है, मस्कनवा से थोड़ा आगे आते ही आपको छपिया मंदिर का रास्ता निकलेगा। तो आप जब भी आएँ घूम के जाएँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और हमें कमेंट करके